हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दांतों में केप लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही अपने घर जाते हैं, केप लगवा के जैसे ही अपने घर जाते हैं और कुछ खाना खाते हैं तो उनको उसमें दर्द फील होता है, यानी केप में पेन फील होता है। इसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक इसी चीज़ पे है कि केप लगाने के बाद दर्द क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। अगर आप लोगों के केप लगाने के बाद दर्द हो रहा है तो चलिए जानते हैं कि ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। दांतों में केप लगने के बाद दर्द होने के दो मेन रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है हाई पॉइंट्स, यानी कि केप में हाई पॉइंट्स का रह जाना। अब आप लोग सोचोगे कि हाई पॉइंट्स क्या होते हैं। हाई पॉइंट्स का मतलब होता है कि केप या कोई भी फिलिंग करते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन होता है वो हाई हो जाता है, ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से जब दांतों की बाइटिंग होती है, यानी दोनों ऊपर और नीचे के जब टीथ मिलते हैं, जैसे खाना खाते हैं या बोलते हैं, तो बाइट होती है। ये जो बाइट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। हाई पॉइंट्स की वजह से ये बाइट प्रॉपर नहीं हो पाती, उसकी वजह से दांतों पे प्रेशर पड़ता है। उस पर जो प्रेशर लगता है, वो प्रेशर लगने की वजह से पेरियोपाइकल जो एरिया होता है या फिर जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। उस इन्फ्लामेशन की वजह से जैसे ही बाइट होती है, मतलब ऊपर वाले टीथ नीचे वाले से जैसे ही टच होते हैं, वैसे ही इन्फ्लाम टिश्यू की वजह से केप में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आपके आप जो जब भी कुछ खाते हो या बाइट होती है उसकी वजह से केप में पेन हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपके कोई भी कैविटी है, दांत में कोई कैविटी है, और वो कैविटी मतलब जो कैरीज या कैविटी है वो आपके पल्प तक पहुंच गई है, यानी इनेमल। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि दांत की थ्री लेयर्स होती है, ऊपर वाली इनेमल, बीच वाली डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। अगर इनेमल और डेंटिन तक कैविटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें केप लगा देते हैं या फिलिंग कर देते हैं तो इतनी कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर ये जो इन्फेक्शन है या फिर ये जो कैविटी है ये पल्प तक पहुंच गई है, तो उसके बाद अगर टूथ पे केप लगा दी जाती है या कोई फिलिंग कर दी जाती है तो उसमें पेन हो जाता है। ये तो है दो मेन रीज़न जिनकी वजह से केप लगाने के बाद दर्द हो जाता है। लेकिन इनके अलावा कुछ अदर रीजन्स भी होते हैं, जैसे कि अगर केप लगाते वक्त कोई आपका जो गम्स है उसमें कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से दर्द हो जाता है, या फिर केप लगाते वक्त जो ल्यूटिंग एजेंट होता है उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो गम्स में चला जाता है, और वो उसी टाइम अगर नहीं निकालते हैं और वो थोड़ा सा भी अगर गम्स में रह जाता है तो उसकी वजह से वो आगे जाके पेन दर्द कर देता है टीथ में। अब जानते हैं उपाय। अगर आपके केप में जो दर्द है वो हाइपोइड्स की वजह से है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस डेंटिस्ट ने आपके केप लगाई है उन डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपके हाई पॉइंट होता है, वो हाई पॉइंट्स है उनको रिड्यूस कर देंगे, और उनको रिड्यूस करते ही आपकी जो बाइट है वो प्रॉपर हो जाएगी और फिर आपको खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी पेन नहीं होगा। अब जो दूसरे रीजन की वजह से पेन है, जैसे अगर आपके केप में जो दर्द है वो दूसरे रीजन की वजह से है, यानी कि कैविटी या इन्फेक्शन की वजह से है। अगर आपकी कैविटी या इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच गया है उसकी वजह से आपके केप में पेन है, तो उसके लिए क्या उपाय है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके जो आपका जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक तो नहीं पहुंच गया है। इसके लिए आपको एक्सरे करवाना चाहिए, यानी कि केप लगवाने से पहले एक्सरे ज़रूर करवाइए कि ये जो इन्फेक्शन है वो डेंटिन तक ही है या पल्प तक है। अगर ये डीप है और पल्प तक चला गया है तो आप उस पर डायरेक्ट केप नहीं लगवाइए। आप अगर आप बिना रूट केनाल के केप लगवाते हैं तो आपके केप लगने के बाद टूथ में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके एक्स्ट्रा मटेरियल की वजह से पेन है या गम्स में इन्फ्लामेशन की वजह से पेन है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, दिखाइए और वो ठीक कर देंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा मटेरियल तो वो रिमूव कर देंगे, और इन्फेक्शन है तो उसके मेडिसिन वगैरह दे देंगे, उससे आपके जो केप में पेन है वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको केप से रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।